हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम लोग मुंबई घूमेंगे, तो आइए चलते हैं। 22 घंटे के लंबे सफ़र के बाद अब हम लोग पहुंचने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई में। तो आपको इस वीडियो में पूरा मुंबई हम घुमाएंगे और मेरे साथ आपको भी पूरा मुंबई घूमने मिलेगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और ये मुंबई का सबसे बड़ा स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। सबसे पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं क्योंकि बहुत लंबा सफ़र करके आए हैं और कुछ खाया नहीं था, वहाँ खा के निकले थे। उसके बाद रास्ते में कुछ नहीं खाया है, तो यहाँ से कुछ लिया जाए खाने का। तो हम लोग यहाँ से बर्गर है, वड़ा पाव है और भी चीज़ें हैं, छोले भटूरे वगैरह। तो हम लोग देखते हैं क्या खाना है, खाने पीने की चीज़ कुछ खाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप में जहाँ अपन को जाना है अपनी डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं। चलिए ठीक। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, जो होटल है वहाँ पे। और अभी हम लोग यहाँ से आगे गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ चलते हैं। और जैसे कि आपको पता ही होगा, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ही ताज होटल है, तो आज हम लोग ताज होटल को भी देखेंगे पास से। और आइए चलते हैं। तो स्टेशन से लगभग 500 मीटर्स की दूरी पे ये गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल है। तो आप कोई भी ऑटो या बस पकड़ के यहाँ तक आ सकते हैं और लगभग 100 मीटर की डिस्टेंस में अपन लोग को ऑटो वाला उतार देगा, तो वहाँ से अपन को पैदल चलना होगा। दिस इज़ बी कॉल्ड गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। तो ये अभी अंदर जाना मना है, जैसे ही अंदर जाने मिलता है तो मैं अंदर जाके व्यू दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह 5:30 बजे भी कितनी पब्लिक है यहाँ पे। ये सब पब्लिक गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल देखने आई है। यहाँ से आपको समुंदर का दृश्य दिखाने लेके जाता हूँ मैं। अभी आप दूर से देख लीजिए, थोड़ी देर में मैं आपको पास से दिखाऊंगा। तो जैसे समय भी बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और जिस समय हम लोग आए थे वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये 7:30 बजे खुलता है। तो हम लोग सामने जाएंगे 7:30 बजे। यहाँ पे पूरे कबूतर पले हुए हैं, यहाँ जब कबूतर उड़ते हैं तो बहुत मस्त नज़ारा दिखता है गेटवे ऑफ इंडिया के सामने का। और अभी तो हम लोग यहाँ पे 7:30 बजे तक रुके हैं ताकि हम लोग अंदर से क्लोज़र व्यू आपको दिखा सकें। तो ये है द ताज होटल जहाँ पे अटैक हुआ था। तो अब हमें अंदर आने मिल गया है, ये द गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ आते साथ मैंने कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवा लिए हैं। तो यहाँ पहुँच के हम लोग को सबसे पहले कुछ टूरिस्ट लोग मिल गए जो कि चाइना से आए हुए थे, तो ये उनके साथ मैंने कुछ फ़ोटोज़ खिंचवा ली। साथ में यहाँ पे और भी बहुत टूरिस्ट लोग मिले थे, जैसे कि US के भी कुछ लोग मिले और साउथ अफ्रीका के भी। तो ये है साइडर व्यू ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया और यहाँ से पूरा पीछे समुंदर का दृश्य है। तो यहाँ बोट भी चलती हैं, आप बोट का मज़ा भी ले सकते हैं। तो इस बोट की टिकट 250 रुपये पर पर्सन है, तो आपको अगर इसमें बैठना हो तो आप बैठ सकते हैं।
तो यहाँ से पूरा अरेबियन सी का दृश्य दिखता है। तो यहाँ से जितने पीछे पीछे बोट और शिप दिख रही हैं सब पूरा अरेबियन सी में है। तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं और चलिए कुछ खा लेते हैं। अब हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, 20 रुपीस में यहाँ फ्रूट्स मिल रहा है। ये फ्रूट्स का काउंटर लगा हुआ है, 20 रुपीस में फ्रूट मिलता है और यहाँ पे खाने पीने के लिए एक आइटम्स मिलता है जहाँ पे। तो अगर आप यहाँ आओ तो ज़रूर फ्रूट ट्राई करना 20 रुपीस। तो दोस्तों लोग, हम लोग अब जा रहे हैं नेक्स्ट स्पॉट पे जो है जुहू बीच। तो ये वाला स्पॉट अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अब अपन मिलते हैं जुहू बीच पे। तो अभी हम लोग हैं बांद्रावल्ली सीलिंग में। तो यहाँ से जुहू बीच जाने का सबसे छोटा रास्ता पड़ता है, क्योंकि ये ब्रिज है ना पानी के बिल्कुल बीच से बनाया गया है, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है ना वो बहुत ही इजी हो जाए। तो बेसिकली ये ब्रिज टू व्हीलर्स के लिए नहीं है, ओनली फोर व्हीलर्स और बसेस के लिए है। तो इसमें टू व्हीलर्स वाले नहीं आ सकते हैं, टू व्हीलर्स वालों को घूम के जाना पड़ता है अलग रास्ते से। तो आइए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो ये बांद्रा वर्ली सी लिंक बांद्रा नॉर्थ से वर्ली साउथ तक कनेक्ट करता है। तो अभी हम लोग बस से ट्रिप कर रहे हैं। तो अब लोग आ गए हैं जुहू बीच में। अब हम लोग थोड़ा घूमें घामेंगे। अपन ने लेमन जूस पिया है और एक पिज़्ज़ा खाया है। अब जा रहे हैं हम लोग बीच के सेंटर में, मतलब जितनी आगे जा सकते हैं अपना हिसाब से उतनी आगे जाके देखेंगे। तो अभी रात हो गई है और दिन में ज़्यादा अच्छा नज़ारा रहता है जुहू बीच का। तो अभी हम लोग कल फिर आएंगे यहाँ पे और दिन का नज़ारा देखेंगे जुहू बीच का। ये पूरा नज़ारा है, यहाँ से 7 किलोमीटर तक फैला हुआ जुहू बीच है। ये लाइटिंग लगी हुई है पीछे साइड जहाँ भीड़ भाड़ है, और जो कुछ भीड़ भाड़ यहाँ आगे साइड है तो ये अपने रिक्स पे खड़े हुए हैं पानी की लहरों का मज़ा लेते हुए। तो हम लोग भी वांगे तरफ चल रहे हैं। हाँ, मेरे को ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मैं लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि दिन में बनाना चाहिए था ये वीडियो जुहू बीच का, लेकिन नाइट में बना रहा हूँ मैं। लेकिन ठीक है, फिर भी जुहू बीच आपको बता देंगे कितने क्या खाने पीने का क्या रेट है। जुहू बीच की कोई टिकट नहीं रहती है। तो ये मुंबई का दूसरा सबसे फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट कहलाता है जुहू बीच, जहाँ बहुत सारे लोग फॉरेनर्स लोग आते हैं। और ये वाला बीच सारे बीचों में सबसे ज़्यादा फेमस है। मुंबई में लगभग बहुत सारे बीच हैं लेकिन ये बीच सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जुहू चौपाटी है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे जो लाइटिंग दिख रही थी वो जुहू चौपाटी की लाइटिंग थी, और ये लहरें आ रही हैं पानी की। तो यहाँ लहरों में बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन्हीं लहरों में बह जाऊँ। जैसे कि बहुत लोग आप लोगों को दिख रहे होंगे जो लहरों में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और मेरा भी मन था कि मैं यहाँ पे नहाऊँ और डुबकी लगाऊँ। लेकिन अभी रात बहुत हो गई है तो मैं अगर कल सुबह यहाँ पे आऊँगा तो ज़रूर डुबकी लगाऊँगा उन लोगों की तरह। तो अब हम लोग वापस चल रहे हैं अपने होटल रूम में, और ये है मुंबई की लोकल ट्रेन।
मुंबई में लगभग 150 स्टेशंस हैं जिसमें ये लोकल ट्रेन चलती हैं। पूरा मुंबई आपको अगर घूमना है तो इन्हीं ट्रेन में घूम सकते हैं। इसमें 10 रुपये की टिकट मिनिमम है। मिनिमम किसी भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना हो तो 10 रुपये की टिकट है, और अगर कहीं दूर जाना है तो 20-30 जितने भी होगा वो डिस्टेंस के मुताबिक रहता है। अभी जैसे कि नाइट का समय है तो पूरी ट्रेन आपको खाली दिख रही होगी, लेकिन सुबह बहुत ही भरी रहती है। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे ही व्लॉग देखने मिले। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में।